तेलंगाना और यूपी से यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना करने के लिए आए। आज भी एक दिन धरना दीक्षा है, कल धरना है, परसों तीसरा दिन जाएगी हमारा बहिरंग सभा है अम्बेडकर भवन में। हमारा डिमांड है एससी कैटेगरीशन ABCD, ये जो डिमांड लेके हम लोग 25 साल से लड़ रहे हैं। 25 साल से भी जो भी गवर्नमेंट फॉर्म में आता, गवर्नमेंट फॉर्म में आने से पहले एक बात बोल रहे जो हमारा इसी लोगों को, मादिका लोगों को, हम लोग अगर अधिकार में आ गए आपका कैटेगरीशन के लिए हम बना के देंगे, आपका कैटेगरीशन बन जाता बोल के हमारा बात दे रहे। मगर इलेक्शन में जीतने के बाद में कुर्सी पे बैठने के बाद हमारा डिमांड को भूल जा रहे, हमारा डिमांड को आगे नहीं ला रहे। ऐसा नरेंद्र मोदी भी अधिकार में आने से पहले, अधिकार में लेने से पहले हम लोग अगर अधिकार में आ गए, हम लोग कुर्सी में बैठ गए, 100 दिन में हम लोग ABCD कैटेगरीशन करने के लिए हम तैयार है बोल के प्रचार करे, बड़े बड़े मीटिंगों में बोले। बोलने के बाद एक बार गवर्नमेंट 5 साल हो गया, अभी दूसरी बार भी नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो भी अम्बेडकर के लिए जितना बात कर रहे नरेंद्र मोदी साहब, इससे पहले जो कांग्रेस था कोई बात नहीं करे अम्बेडकर के लिए, इससे पहले गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट था बात नहीं करे। मगर नरेंद्र मोदी साहब जो अधिकार में आने के बाद, कुर्सी में बैठने के बाद, और अम्बेडकर जी के लिए उनका जो भी पूरा चरित्र है, उनका जो पूरा हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं, वो अच्छा बात है। कहीं बोलते हो ये राज्यांग जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखे सो बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके लिए बात करते बहुत अच्छा है। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो भी जिसका जितना पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से उन लोग रिजर्वेशन लेना है बोल के, तो ये 15% जो रिजर्वेशन हमारा लगाया जो है, ये एक ही कैस्ट हमारा SC में जो माला कैस्ट है 59 कैस्ट में, वो एक कैस्ट हमारा रिजर्वेशन पूरा वो लेके चल जा रहा है। इसीलिए हमारा डिमांड है AP और तेलंगाना में ये कैटेगरीशन बनना, ये कैटेगरीशन बने तो हमारा जो नीचे जो कैस्ट है, ये जो माला मालिका के बाद में दिल्ली पाकी पगड़े जो जितने भी अपना जो मोची इधर तो चमार बोलते हैं, जो जितने भी वो कास्ट है, वो कास्ट के अन्याय हो रहा, वो अन्याय की हम लोग छोटी कास्ट के लिए अन्याय, हाँ छोटी कास्ट के लिए अन्याय हो रहा, वो अन्याय जो हम लोग उनके न्याय करने के लिए डिमांड पे हम लोग यहाँ पे है। तेलंगाना में जो KCR साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद में, पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद में सेकंड असेंबली बजट जो इश्यूज में ये बिल को पास करके केंद्र मोदी में केंद्र जो गवर्नमेंट को भिजाए है, वो भिजाने के बाद में भी अभी तक वो कितने भी बिल्स लेके आए पार्लियामेंट में बिल पास करे, जो OBC का जो बिल था वो जो डिमांड नहीं था, जो फॉरवर्ड कैस्ट का डिमांड था वो डिमांड उन लोग लड़े नहीं कुछ करे नहीं, वो उनका डिमांड भी पास करे से। हमारा डिमांड 25 साल से हमारे बच्चे मर जा रहे, हम लाठीचार्ज पे मारा खा रहे, हम लोग जनसंख्या होगी आप लोगों की, हमारा जनसंख्या है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1.5 करोड़ से ऊपर है, मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुन रहे नहीं, जो भी अधिकार में आ रहे हमारा डिमांड को बाजू में लगा के उनका काम उन लोग करने से जा रहे। अभी हमारा डिमांड ये जो करने के लिए जो नरेंद्र मोदी साहब को हम रिक्वेस्ट करने आए, जो भी जगन जो मुख्यमंत्री बने से वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, उन भी जो प्रतिपक्ष पार्टी रहते वो पार्टी लोगों को अखिल पक्ष ले लेके जो इधर आके नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से बात करके AP में भी ये बिल लगाना है, और तेलंगाना KCR साहब भी असेंबली में भी एक बार बात किए सो है। ये जो डिमांड है ये SC कैटेगरीशन डिमांड है, मेरे कंधे पे डाल लूंगा, ये डिमांड के लिए आप लोग सोचो ना को, इसको करके बताऊंगा, जैसा जो भी तेलंगाना के लिए मैं घूम के कैसा भी करा ना, उसी लिए सेम वैसी मैं केंद्र प्रभुत्व जो नरेंद्र मोदी से बात करके इसको अखिल पक्ष ले जाके मैं करूंगा बोल के भी KCR साहब ने बोला। दो स्टेट का मुख्यमंत्री असेंबली में जो बिल पास करे, इसको ये करने के लिए दो स्टेट का मुख्यमंत्री अखिल पक्ष लेके आके नरेंद्र मोदी साहब से बात करके ये जो हमारा डिमांड है, ये डिमांड को सक्सेस करना, पास करना बोल के हम लोग चाह रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग जो जितने भी JSC बन के PMRPS APMRPS मालिका JSC MHPS मालिका अखिल पोराट समिति जितने भी ये डिमांड के लिए हम छोटे छोटे संगठन है, वो उन लोग पूरे इकट्ठा हो गए, अगर अगले इलेक्शन तक हमारा डिमांड को पास नहीं करे तो हम लोग जो भी पार्टी हमारा जो काम नहीं कर रहे वो पार्टी को हम लोग एंटी करने के लिए लड़िए बोल के इस पक्ष से बोल रहे हैं हम लोग।